देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। केंद्र सरकार ने पूर्वी भारत के 5 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड में कोविड महामारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र पर दिया जोर। कोविड से निपटने के लिए भारत को वैश्विक समुदाय से आपूर्ति जारी। अभी तक 1,764 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 1,760 ऑक्सीजन सिलेंडर, 7 ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट, 450 वेंटिलेटर सहित 1,35,000 से अधिक रेमडेसिविर दवा की आपूर्ति। भारत में 16.24 करोड़ से अधिक लोगों को दिया गया कोरोना का टीका। पिछले 24 घंटों में 18.9 लाख लोगों ने ली कोरोना वैक्सीन, जिसमें 2,30,000 से ज्यादा 18 से 44 आयु वर्ग के लोग। तमिलनाडु में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने एमके स्टालिन को राज्य में सरकार बनाने के लिए किया आमंत्रित। डीएमके अध्यक्ष स्टालिन 7 मई को लेंगे शपथ। राजभवन परिसर में एक सादा समारोह में दिलाई जाएगी शपथ। कोविड के चलते चुनाव आयोग ने कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा और लोकसभा के उपचुनावों को टालने का किया फैसला। निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा, मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।